सबसे पहले जो है ना दोस्तों, आप लोगों को बाथरूम पूरा क्लीन करना है। बाथरूम में जो फ्लोर में जो आपका सीमेंट पड़ा रहता है, कौन सा सीमेंट, जो आप प्लास्टर वास्टर होता है, बांधकाम होता है, उससे सीमेंट जो है वो पूरा आपको अच्छे से पहले टच मार के आपको निकाल लेना है पूरा। और ये जो बाथरूम है फास्ट फ्लेक्स में से जो कैसे आप वाटर प्रूफिंग करते हो बहुत सारे भाई को पता है, और कुछ नया सिस्टम बताने वाला हूँ जो आप लोग शायद गलती करते हो। और एक जो है देसी वाटर प्रूफिंग, वो भी हम बताने वाले हैं कहीं और किसी और वीडियो में। तो उसके बाद इसमें जो आपका ब्लोअर मशीन होता है वो आपको चाहिए अगर आप फर्स्ट फ्लेस से वाटर प्रूफिंग करते हो। तो झाड़ू से भी कर सकते हो लेकिन अच्छा नहीं होएगा, लेकिन ब्लोअर मशीन रहेगा तो आपका काफ़ी अच्छा से आपका क्लीन होएगा और अच्छा भी करना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो जाकर, ठीक है। और आप ऊपर भी देख सकते हो दीवार की साइड में भी कम से कम जो है 16 इंच 18 इंच मैं प्लास्टर छील के रखा हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी जो है आपका बाथरूम वाटर प्रूफिंग काम आएगा। तो उसके पहले उसके बाद आपको नेचुरल वीडियो है बिल्कुल सफाई कर लेना है अच्छे से। सफाई वाटर प्रूफिंग का सबसे पहला काम होता है सफाई करना, तो यहाँ पर सफाई फास्ट करिए। उसके बाद वाटर प्रूफिंग का जो प्रोसेसिंग है वो चीज़ में शायद आप लोग दो चार चीज़ गलती करते हो, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना हमेशा भूल जाते हो, ठीक है। अगर नहीं करते हो लाइक कोई बात नहीं, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम मिलता है, कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, यही आप लोगों को जानना है, कोई भी कंपनी हो, मैं किसी कंपनी का यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बदनामी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी का जो आप केमिकल डालते हो, एक फर्स्ट फ्लेक्स में क्या होता है केमिकल भी आता है, सीमेंट का पाउडर जो आता है वो भी दिखाऊंगा, केमिकल के साथ पानी बिल्कुल भी यहाँ पर मिक्स नहीं करना है, ये चीज़ आप पहले ध्यान दीजिएगा। पूरा केमिकल ही चाहिए, एक डब्बा केमिकल रहता है तो उसके साथ एक पैकेट सीमेंट आता है जो केमिकल वाला सीमेंट है उसके साथ, ठीक है, जो आप ये देख रहे हो ये सीमेंट पूरा डालना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत समझ लीजिएगा सीमेंट ज़्यादा हो रहा है आपका केमिकल कम हो रहा है, ऐसा नहीं है, उसके साथ पूरा परफेक्ट आता है, पर आपको मिक्सिंग करने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या है वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा और आपका ब्राश जो है अच्छा नहीं चलेगा फ्लोर में। तो इसमें आपका जितना केमिकल एक डब्बा आता है उसमें जितना सीमेंट 5 किलो आता है, 7 किलो आता है, 10 किलो आता है, ये चीज़ वो कंपनी के हिसाब से ही बनता है और देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोट जो है ऊपर दीवार से लेके ऊपर भी आप देख सकते हो, देख लीजिए दीवार और फ्लोर, ये आपको करना है। बाथरूम में कहीं पर भी करते हो तो एस कटिंग उसे बोलते हैं जो दीवार में लगता है, ओके ओके। उसके बाद जो है मिक्स करना पड़ेगा आपको, कैसे मिक्स करेंगे, मिक्सचर मशीन। ये मिक्सचर मशीन भी अगर आपके पास नहीं है, आप वाटर प्रूफिंग का काम करते हो, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसे मिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर मिक्स कैसे किया जा रहा है, आप देखिए ज़रा। ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों हमारा एक नया चैनल है, आप लोगों को बहुत बार बोला हूँ लेकिन आप लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, फिर भी बोल देता हूँ, उस चैनल में ऐसे बहुत सारे गैजेट्स का जो सामान होता है घर से लेकर बाहर तक का, छोटा छोटा टूल्स, बहुत सारा ऐसा नया नया चीज़ है उस चैनल में आता रहेगा। तो उस चैनल को अगर दिल इजाज़त करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर कॉमेंट बॉक्स में आप जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरा मिक्स करने के बाद आपका फिर ब्लोअर मशीन जो है उससे थोड़ा सा, मतलब जहाँ पर भी मारेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा फिर से आपको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि धूल जो है वो आता रहेगा, और धूल रहेगा तो ये जो आपका फर्स्ट फ्लेक्स हो रहा है वो परफेक्ट नहीं बैठेगा। मैं यहाँ वाटर प्रूफिंग कैसे सिस्टम से होता है सिर्फ यही बता रहा हूँ, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। हाँ, आप लोग बोलेंगे जो और भी कुछ इसमें वीडियो पूरा डिटेल्स में बनाओ तो वीडियो काफ़ी बड़ा होएगा, आप लोगों का कमेंट के ऊपर है, आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। ऐसे सफाई करना है, और एक चीज़ का यहाँ ध्यान देना है, आपको केमिकल जो मिक्स कर रहे हो ये चीज़ हमेशा ज़्यादा बनाइएगा मत, एक डब्बा बनाइए, काम करिए, फिर से बनाना है, नहीं तो ये जो है ना इतना टाइट हो जाता है, ये चीज़ आप समझ नहीं सकते, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। ये अगर ज़्यादा आप बना लेंगे तो ये आपका सूख जाएगा उसी बाल्टी में और लगा नहीं पाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जैसे ही मिक्स होएगा परफेक्ट एकदम मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से,
बिल्कुल भी उसमें सीमेंट का जो होता है वो नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ये होता है सिंगल कोट, आपको सिंगल कोट मार लेना है। और सिंगल कोट मारने के बाद, जैसे कि अभी मैं हॉरिजेंटल में समझ लीजिए मार रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है 3 घंटा 4 घंटा या फिर बहुत जल्द भी कहीं कहीं पे सूख जाता है, तो सूखने के बाद फिर से आपको वर्टिकल में मारना है। यहाँ वर्टिकल का प्रोसेसिंग नहीं दिखाऊंगा, यहाँ जो प्रोसेसिंग है वो बताया हूँ। और बहुत जगह में ऐसा होता है क्या, ये जो आप फर्स्ट फ्लेक्स करते हो बहुत जगह में पानी डाल देते हैं, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। पानी अगर डालते हो तो आपको 3 लेयर मारना पड़ेगा। हम इसी चीज़ के लिए आए हैं, जो बताने इसका मकसद यही है। अगर कभी भी ये जो सूखा में जैसे मार रहे हैं यहाँ पर देख रहे हो आप, अगर कभी भी सूखा में मारते हो तो 2 लेयर में आपका हो जाएगा। अगर आप बाथरूम में पानी देकर धोते हो और वो जब तक सूखता नहीं उसी के ऊपर मार देते हो तो आपको 3 लेयर मारना पड़ेगा। जैसे कि ये जो मार रहा हूँ ये 1st लेयर हो रहा है, इसके बाद 2nd लेयर में इसका कंपनीस हो जाएगा। बट पानी भीगा भीगा मैं कभी मत मारिएगा। तो जानकारी जो जो मकसद से वीडियो बनाया हूँ वो है आपका भीगा चीज, सूखा चीज और धूला डस्ट वगैरह इस सब, और मिक्सिंग करने का तरीका, इस सब चीज़ आप लोगों को जानना था। बाकी बहुत जगह में मैं देखा हूँ पानी मार देते हैं, धो देते हैं और उसके ऊपर से ही मारने लग जाते हैं। तो वहाँ पर जो है अगर आप 2nd लेयर देंगे तो जैसे 2nd लेयर का ये काम है उतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं होएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया और समझ में भी आया। तो वीडियो को जो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।